अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? पिछले दिनों मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि एप्पल ने ये अच्छा स्टेप नहीं लिया जो कि अपने बॉक्सेस से चार्जर को रिमूव कर दिया, हैंड्स फ्री को रिमूव कर दिया, और एप्पल ज़्यादा अर्निंग करना चाहता है, एप्पल ज़्यादा इस बारे में अपने फ़ायदा चाहता है और अपने यूज़र का जो उसका जो कस्टमर है उसके बारे में उसने नहीं सोचा। बहुत सारी कंपनीज़ ने इस पे इशू उठाया, बहुत सारे लोगों को इस बात से इशू है कि ऐसा क्यों है, और ये जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना और एनवायरमेंट में से कार्बन फ्री एनवायरमेंट करना और एनवायरमेंट को लेके जो एप्पल ने एक इशू उठाया है, ये सारी फजूल बातें हैं, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, तो एप्पल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं अपना एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा कि एप्पल को ये स्टेप लेने के बाद कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, या हमें इसका कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। गाइस, 2020 से पहले एप्पल ने जितने भी मॉडल रिलीज़ किए उनमें हमें बॉक्सेस में कंप्लीट एक्सेसरीज देखने को मिली, जिसमें केबल भी थी, चार्जर भी था और हैंड्स फ्री भी थी, यानी कि ये तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी। लेकिन 2020 में जब आईफोन 12 की सीरीज़ एप्पल ने रिलीज़ की, तो एप्पल ने उसमें से अपने चार्जर को और अपनी जो हैंड्स फ्री को ये कह के उसको रिमूव कर दिया कि जी एक तो हमारी जो कम्युनिटी है या हमारे इर्द गिर्द एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चार्जर बहुत ज़्यादा हैं, तो हर घर में ऑलमोस्ट पहले से चार्जर मौजूद होता है, तो हम इसको रिमूव कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम कि ये हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो रहे हैं तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हम इनको रिमूव कर देते हैं ताकि बाद में जो भी आपकी ज़रूरत होगी, यानी जिसको चार्जर या हैंड फ्री की ज़रूरत होगी वो अलहदा से इसको परचेज़ कर लेगा। तो ये कह के एप्पल ने बॉक्स में से आपकी हैंड्स फ्री और चार्जर को रिमूव कर दिया, जिस पे बहुत सारे लोगों का एक बैकलैश था कि यार ये क्या, इतना बड़ा फ़ोन और हम इतने $1000 उसके लिए पे कर रहे हैं, लाखों रुपया उस पे हम पे कर रहे हैं, तो हमें क्या चार्जर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को इस तरीके से सोचें कि एप्पल ने जब ये स्टेप लिया तो ना सिर्फ आपको प्राइस में एप्पल ने जो छूट दी थी प्राइस में डिस्काउंट किया, और दूसरी तरफ आपको मेमोरीज़ में भी डिस्काउंट दिया। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एप्पल का जो मेन जो मॉडल है जो $1000 की प्राइस में आपको मिलता है आईफोन 12 प्रो, यानी इससे पहले आईफोन 11 प्रो, फिर उससे पहले आईफोन 10s और आईफोन 10, यानी ये सारे मॉडल जो हैं वो आपको $1000 की कैपेसिटी में मिलते हैं, और ये सारे मॉडल जो थे 12 से पहले ये सारे 64GB बेसलाइन मेमोरी में हमें मिल रहे थे। लेकिन एप्पल ने 2020 में जब आईफोन 12 प्रो रिलीज़ किया तो उसमें से उसके बॉक्स में से एप्पल ने चार्जर को भी रिमूव कर दिया और जो हैंड्स फ्री थी उसको भी रिमूव कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को ये मसला था कि यार एप्पल तो स्टिल इसको $1000 चार्ज कर रहा है, लेकिन एप्पल ने इनमें से दो चीज़ें भी रिमूव कर दी, जिनकी अगर प्राइसिंग देखी जाए तो दोनों की प्राइसेज हैं $38, यानी $19 में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन एप्पल ने $38 जो आपको कम नहीं किए, जो आपके माइंड में आते हैं कि एप्पल को 1000 की बजाय फिर कम प्राइसिंग करना चाहिए थी, और एप्पल ने 1000 ही प्राइस रखी, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी निकाल ली, तो एप्पल ने बदले में आपको डबल स्टोरेज दे दी, यानी 64GB की बजाय आपको बेस लाइन यानी उसी प्राइस में आपको 128GB मेमोरी दे दी। यहाँ पे आप इन दोनों बातों को आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि एप्पल ने अगर आपसे चार्जर और हैंड्स फ्री वापस ले लिया तो बदले में आपको एक डबल मेमोरी की कैपेसिटी भी दे दी है, यानी कि आपको सेम प्राइस पे 128GB मेमोरी दे दी। सेम इसी तरह आईफोन 12 प्रो मैक्स में भी जो 64GB स्टोरेज थी उसको एप्पल ने कन्वर्ट कर दिया 128GB में, और बदले में आपसे चार्जर और हैंड फ्री ले लिया। और अगर हम इसको 256GB में बात करें तो एप्पल का जो 256GB वेरिएंट है वो नॉर्मली हमें पिछले सालों में $1250 में देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट ईयर 2020 में एप्पल ने वही 256GB का जो मॉडल था आईफोन 12 प्रो मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एप्पल ने $1200 में रिलीज़ किया, यानी कि $50 आपको वहाँ पे कमी देखने को मिली, यानी कि एप्पल ने वहाँ पे खुद से ही प्राइस में $50 कम कर दिए, क्योंकि एप्पल ने आपसे दो चीज़ें ले ली, यानी चार्जर और हैंड फ्री वापस ले ली, लेकिन मेमोरी 256GB थी, लेकिन एप्पल ने फिर आपकी $50 भी कम कर दी। तो ये बेसिकली आप दोनों एंगल से अगर देखें तो ये चीज़ जस्टिफाई होती है कि जहाँ पे आपको मेमोरी मिल रही है वहाँ पे एप्पल ने प्राइस को कम नहीं किया लेकिन आपसे वो चीज़ें ले ली, और जहाँ पे आपसे चीज़ें ले ली हैं लेकिन आपकी मेमोरी सेम है वहाँ पे खुद से ही उसने प्राइस को कम कर दिया। तो ये बात है कि आप किसी वजह से भी लॉस में नहीं हैं, यानी आप अगर एक फ़ोन लेते हैं और आपको बदले में ये दो चीज़ें नहीं मिल रही तो आपको बेनिफिट हो रहा है इन टर्म ऑफ डॉलर्स, इन टर्म ऑफ प्राइस, और दूसरी तरफ देखें तो इन टर्म ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये बात अपने माइंड में रखें कि इस साल भी जिन जिन लोगों ने फ़ोन ख़रीदें और अगर उनको हैंड्स फ्री नहीं मिली या चार्जर नहीं मिले तो बदले में उनको या तो कम प्राइस पे करना पड़ी है या उनको फिर डबल स्टोरेज भी देखने को मिली है।
तो ये बात है कि ना ही तो आपका लॉस हुआ है, ना ही आपका यहाँ पे कोई बेनिफिट हुआ है। और दूसरी तरफ एप्पल का भी देखें तो एप्पल का भी यहाँ पे कोई लॉस नहीं है और किसी किस्म का उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एप्पल ने पुश किया है, इनक्रेज किया कि आप सेपरेटली ये चीज़ें खरीदें, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे बात वही है कि जिन लोगों को ज़रूरत होगी चार्जर की या इन चीज़ों की, वो जाके एक्स्ट्रा पे करके वो ले सकते हैं, और जिनको ज़रूरत नहीं होगी वो अपने पुराने चार्जर्स के साथ भी इसके साथ अकोमोडेट कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो कि मेरे ख्याल में लॉजिकली हमें समझ में आता है कि इससे आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे घरों में अक्सर तीन तीन चार्जर मौजूद होते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सेसरीज जमा कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि हमारे पास अपनी इस्तेमाल के मुताबिक ही वो चीज़ हो, और अगर हमें इस ज़रूरत है तो हम उसको सेपरेटली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक ओवरव्यू था, एक पॉइंट था कि आप लोगों से शेयर करूं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे इशू उठाते हैं कि यार एप्पल ने इतना महंगा फ़ोन लॉन्च किया और बदले में ये दो चीज़ें हमसे ले ली हैं। सो आई डू होप कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है और आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की एप्पल रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पीस।